तो आज मैं कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में बात करने वाला हूँ जो इन्फ्लुएंसिंग कम रेसिज्म ज़्यादा फैलाता है। यस यू ऑल गॉट मी राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट मृदुल मैड हॉक। अभी बंदे का अलग ही स्वैग है, अगर तुम्हारा रंग थोड़ा काला है या फिर तुम सावले हो तो तुम्हें इस दुनिया में जीने का कोई हक ही नहीं है। इतना ही नहीं भाई, ये किसी की फोटोज की बेइज्जती कर देता है। ये देखो एक बार, बस एक बार इनकी शक्ल देखो, कॉन्स्टिपेटेड सी लुक लग रही है, वही है रीजन इनकी शक्ल का। यार ये क्या? और ये तो कम था, ये बंदा किसी की फोटोज उठा लेता है सोशल मीडिया से और उनकी बॉडी शेमिंग कर देगा बगैर उन ओनर लोग से पूछे भी। ये देखो टू डेज बैक मैं अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था एंड आई हैड दिस वीडियो ऑफ दिस बिग इन्फ्लुएंसर मृदुल मोक। तो मैं वो वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक मीम मार्केटिंग कर रहा था, अपनी वेबसाइट को प्रमोट कर रहा था उसके थ्रू एंड बहुत ही इररिलेवेंट था। सो आई जस्ट हैड दिस कमेंट, बहुत ऐसा छोटा सा कि अगर मीम मार्केटिंग करनी नहीं आती तो क्यों करते हो लॉल। एंड उस वीडियो पे इसने उस जस्ट एक छोटे से कमेंट पे इसने मेरे पे इतनी बड़ी वीडियो बना दी, कह रहे समोसे जैसी ना क्या और ऐसे डी बॉडी शेविंग और ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मैं अब तुम्हें वीडियो दिखाता हूं। लड़की का मेरे को मैसेज आया कि भाई मेरी नाक समोसे जैसी मोटी है, इसको पतला कर दो। इस लड़के, अरे एक सेकंड, ये तो मैं ही डर गया भाई, मेरे हाथ में तोड़ा तुम्हारी नाक को पतली करना है मोटी करना। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, द फर्स्ट थिंग वी गेट आउट ऑफ वीडियो, आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, मैंने आज तक इसे कोई मैसेज नहीं करा कि मेरी नोज ऐसी है बताओ कैसे सही करो, ऐसा कुछ भी। ये बंदा भाई दूसरों के फोटोज को इतना क्रिटिसाइज करता है, इतनी बेइज्जती करता है उनकी, और साला खुद का वीडियो बनाने के लिए रिंग लाइट, कितने सारे 4-5 लाइटें लगाता है चेहरे पे गोरा दिखने के लिए, रिंग लाइट यूज कर रहा है। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। Come on, dude. ये इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे रेसिज्म मत फैलाओ। ठीक है भाई, चलो मान लेते हैं हमारी शक्ल खराब है, तो ये टिप्स भी देते हैं। इनके टिप्स तो और ही नेक्स्ट लेवल के होते हैं, जरा देखिए। भाई जिंदगी जीनी है तो बिल्कुल बैडास स्टाइल में जिया करो, ऐसे फुकरों की तरह जिंदगी जीने में क्या फायदा है। मैं आपको सही बताऊं, ये वीडियो इसी चीज पे ही फोकस करे क्योंकि जिंदगी तो हमें दो मिलती है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। देख रहे हो, साफ पता चल रहा है ये वीडियो गांजा फूंक के बना रहा है। भाई को लगता है कि जिंदगी दो मिलती है। वाह, नहीं नहीं, वाह वाह, तालियां तालियां। खैर मैं इसे बताना चाहता हूँ भाई, जिंदगी एक ही मिलती है, और ये क्या फुकरों की तरह लगा के रखा है। भाई रियल लाइफ में ना तेरे से अच्छा ही जीते हम लोग, और हम सब लोग को बहुत ही अच्छे से पता है कैमरे के पीछे तेरी लाइफ कैसी है। एटीट्यूड, किस एटीट्यूड के साथ चलते हो? एटीट्यूड रखो भाई फेस पे। आई ये भाई क्या एटीट्यूड लगा के रखा, नहीं चलना भाई एटीट्यूड में, नॉर्मली सही है हम लोग। पर एक मिनट, अगर आपको बैठना है कूदना है तो भाई ये पोस्चर में ही आपको सारे काम कर रहे हैं, चाहे हगना भी मान लो। ओ भाई मारो मुझे, मारो। मतलब भाई ये बंदा इन्फ्लुएंसिंग के नाम पे तुमको इतना फेक बना देगा ना यार, एटीट्यूड में कौन हकता है, कैसे ये असंभव है यार। ये बंदा भाई एटीट्यूड और लुक के नाम पे कुछ भी गंद फैला रहा है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा, देश संकट में है। अगर आपके पास पैसों की कमी है और अपने बालों में शेड्स लाने तो मृदुल मैडॉक का ये तरीका यूज कीजिए। नेचुरली घर में विदाउट एनी साइड इफेक्ट आपके बाल ब्राउन करवा सकता हूँ। सुनना, आपको आधा नींबू बिल्कुल निचोड़ना है, 2 चम्मच हीना पाउडर और उसके अंदर आपको 1 सैशे कॉफी का बिल्कुल पलट देना, इसके अंदर आपको 2 चम्मच कोकोनट ऑयल बालों में अच्छे से मिक्स कर लो। भाई मैं अभी करके आऊँ, तुम्हें अभी डिफरेंस पता लग जाएगा। तो भाई ये करके तुम्हारे भाई ने अपने बाल हाईलाइट कर लिए हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज है, बिल्कुल नेचुरल, मुझे नहीं लगता तुम्हारे घर। ये क्या गोबर बना दिया भाई, इससे अच्छी शेड पे एक पान खाता हुआ अंकल तुम्हारे सर पर थूक कर बना सकता है। अगर इस शेड के साथ मैं गया ना घर पे, मेरी मम्मी इस मेरे ही बालों का झाड़ू बनाकर पूरा घर साफ करेगी। एट दी एंड ये बंदा इसीलिए ये सब करता है क्योंकि इसे अपने सो कॉल्ड प्रोडक्ट्स बेचने रहते हैं। यार देखो हर वीडियो में कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम रहेगी ना, इसका हमेशा सोल्यूशन इसके प्रोडक्ट्स पे ही आएगा। एक्चुअली अगर हाइट ग्रो करनी है ना भाई साहब, सही न्यूट्रिशन तो ले लो, और उसके लिए mridulmadhok.in पे ये ऊपर से इसके प्रोडक्ट्स इतने फेक रहते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स ना हर महीने में निकालते रहेगा, प्रॉब्लम वही की वही रहेगी, कभी नहीं ठीक होगा, इसके प्रोडक्ट्स हमेशा चेंज होते रहेंगे। और जो कोई भी अपने अंदर चेंज लाने के लिए ना भाई इसे देखता है ना, यार तुम पत्थर के ऊपर अपना खुद का ही माथा फोड़ रहे हो। एट दी एंड मुझे इससे कोई भी हेट नहीं है, बस भाई गोबर मत फैलाया करो सोशल मीडिया पे ब्यूटी टिप्स के नाम पर, और अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने पास ही रखो भाई, किसी को भी हरास मत करो यार, और इन्फ्लुएंसिंग का काम करो भाई, बॉडी शेमिंग का नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।